तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना, और लुधियाना के अंदर हमने ये रूम ले लिया है हमारा। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपको जैसे आपको बजट के अंदर जैसा रूम चाहिए वैसा मिल जाएगा, तो हमने ये हमारा रूम लिया है। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं लुधियाना किले के अंदर, आपको दिखाते हैं लुधियाना किले का जो पूरा परिसर है वो। देश का यहाँ से मेन गेट है ये, यहाँ से हमने एंट्री ली। यहाँ पे आपको कोई रेस्टॉप नहीं है, आप जैसे आना चाहो ऐसे आ सकते हो। पूरा खंडर हुआ पड़ा है, खंडर हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसके अभी कोई भी अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई है, ये किला है पूरा। दोस्तों ये हालत है लुधियाना किले की, यहाँ पे ना तो कोई गवर्नमेंट की रख रखाव है ना देख रेख है, पूरा खंडर हो चुका है। फिर भी ना गवर्नमेंट ने इसके प्रति कोई देख रेख है यहाँ पे। तो हम लोग भी पहुँचे थे, भाई नाम सुना था लुधियाना किला देखने के लिए, और ऐसी हालत देख के इसकी तो लगता है जैसे गवर्नमेंट को इस चीज़ की कोई पड़ी नहीं है। ऐतिहासिक जगह होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इस चीज़ की कोई देख रेख नहीं करती है। ये पूरा किले का पूरा परिसर है, बहुत बड़ा किला है वैसे तो, दिखने में बहुत बड़ा है, पर इसकी जो हालत और कंडीशन है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही मेंटेन नहीं की है। ये देखिए दोस्तों, अगर गवर्नमेंट चाहती तो इस जगह को एक ऐतिहासिक जगह और पर्यटक स्थल बना सकती थी। थोड़ा सा गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती पर इस जगह को बढ़िया आलीशान बना सकती थी, पर गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर प्रति ध्यान नहीं दिया। ये देखिए दोस्तों, यह हालत है इस किले की। घोड़ा लेके बोलते जाता था अंदर, अब तो मिट्टी मिट्टी बारिश से पानी बंद हो गया। अभी जा सकता है कोई जाता है तो? कितने मिट्टी वाले आते हैं, थोड़ा दूर तक जाते हैं बस, तोड़ चोर चले के फिर नहीं जा सकते। नहीं जा, आगे रास्ता बंद कर दिया। बाकी जब रास्ता शुरू था तो 15 किलोमीटर तक जाती थी। ये बना हुआ दीवार किले की, ये नीचे फायर मारते थे। अच्छा, यहाँ से उधर से इधर से गिम्बल। किस नाम से लोग हैं? यही वो जगह है जहाँ पे पहले तोप रखी होती थी, और यहाँ से आपको पूरी नहीं तो पुराना जो लुधियाना है वो आपको दिख ही जाएगा। दुश्मन के ऊपर हमला करते थे यहाँ से, बस यहाँ से कभी भी दुश्मन की सेना आती थी तो यहाँ से हमला करते थे वो लोग। ये रक्षा क्षेत्र है इस किले का, जहाँ पे तोपें वगैरह लगाई जाती थी। ये किले की दीवार है, बाहरी दीवार है। यहाँ से हम खड़े होकर देखेंगे ये किले का। ये यहाँ के यहाँ से फायरिंग, यहाँ से सीधी बंदूक लगा के रखते थे नीचे, सीधी सेना के ऊपर फायर करने के लिए ये बनाए हुए। ये नीचे यहाँ पे लोग नाले दुश्मन के ऊपर नहीं आता। हाँ, वो खाई थी, खाई थी, खाई थी। तो दोस्तों किला तो बहुत बड़ा है पर गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया है। बाकी बहुत बढ़िया जगह है, पर्यटक स्थल भी बन सकता है ये चीज़। नौ सौ साल पुराना है इसका इतिहास। ये बंकर बना हुआ है जहाँ जैसे युद्ध का समय होता था या लड़ाई होती थी तो यहाँ राजा जी छुप के बैठते थे, वो जगह है। लोग आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा बंकर बना हुआ है। अभी तो पांडव निकल गए, ये है इसकी हालत अभी। यहाँ पे किले के बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिल लगा ली थी, कपड़े बनाने की मिल लगाई थी, पर वो भी बंद हो चुकी है।
आगे और बड़ा बंकर बना हुआ है जहाँ राजा युद्ध के समय छुप कर बैठते थे। एक और ये बंकर है बड़ा वाला जो हमने बताया अभी आपको, ये बड़ा वाला बंकर है। यहाँ पे भी राजा जब युद्ध होता था तो छुप कर बैठने के लिए ये बनाया जाता था। तो दोस्तों लुद्दी किला पूरा हमने देख लिया है, घूम लिए हैं, हम अभी निकल रहे हैं वापस जो नया किला बनाया था उसकी तरफ। तो अगर कभी भी आप लुधियाना आए तो ये पुराना किला देखने हैं, मेरे हिसाब से तो ना आए, कुछ है नहीं यहाँ पे, बास आ रही है और कोई मेंटेन किया हुआ नहीं है, कंप्लीट कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ आपका आना वेस्ट रहेगा, कोई मतलब नहीं है।